आना सागर झील के किनारे स्थित नबीशा पीर बाबा का 2 दिवसीय उर्स बड़ी शानो शौकत के साथ मनाया गया। उर्स के मौके पर कुरान खानी हुई और जुलूस के रूप में चादर पेश की गई। किजबकार इकराम ने कहा कि यह पीर बाबा की मजार बहुत पुरानी है, यहाँ हर मन्नत के लोग आते हैं और अपनी दुआएं पाते हैं। आना सागर वाले नबीशा पीर बाबा हैं, इनकी मजार बहुत पुरानी है, बहुत पुराना है। यहाँ पे पहले से शुरू से हम यहाँ पे खिदमत करते आ रहे बाबा की, और यहाँ पे कोसी समाजों के और भी लोग आते हैं, वो सब दूध दलिया पेश करते, दुआएं मांगते, पानी के लिए, बरसातों के लिए दुआएं मांगते हैं। वहाँ मेरी बिटिया गई, इनका उर्स होता है हमेशा, आती रहती है, हर साल ही होता है। और यहाँ का जो रास्ता है, और रास्ते की बहुत परेशानी है, और नाला, जब पहले तो रास्ता था और रास्ते की जगह नाला बन गया, वो सारा पानी जो गंदगी का आ रहा है आना सागर के अंदर ही आ रहा है, इधर नारे से बहुत गंदगी आ रही है। और आना सागर वाले नबीशा पीर बाबा बहुत पुराने बुजुर्ग आदमी है, हमारे बड़े लोग बुजुर्ग लोग ही बताते थे कि आप पहले से हमारे वाले साहब वगैरह यहाँ पे खिदमत करते थे, बताते थे हमारे को कि बाबा का बहुत पुराने बुजुर्ग आदमी है, अब अल्लाह जाने ख्वाजा साहब के साथ के हैं आप, या आपसे पहले के हैं, ये रोजा मुबारक आपके नीचे ही है, यहीं मौजूद है आप। आ रहे हैं राजस्थान विधानसभा 2023 चुनाव, चुनाव में भी रह गया एक वर्ष से कम समय, कौन होगा विधायक उम्मीदवार? स्वामी न्यूज कर रहा है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा असर, राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र में कौन कर रहा है तैयारी, बताएंगे आप और उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली जनता, जिससे आपके विधानसभा का क्षेत्र का हो विकास। 1 दिसंबर से जयपुर संभाग, रोजाना 2 विधानसभा, दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे, स्वामी न्यूज के फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव देखें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और बताएं कौन सी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं आप, कौन है संभावित उम्मीदवार, कौन सी पार्टी से लगता है वो संबंध, जानकारी साझा करें, प्रारंभ कर रहे हैं हम। अब जयपुर संभाग, यदि छूट गया आपका विधानसभा क्षेत्र, यदि आप उसे नहीं रह पाए लाइव, तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप उसके कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विधानसभा की जानकारी अवश्य डालें। ये जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 9829010448। देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे।